वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, ये जिहड़े अभ्यासी ने पूरन पुरख ने बड़े ही तजर्बे वालियां ते कमाल दियां चीज़ां दसदे ने। ये जिहड़ी बचन मनण वाली गल ए आ, गुरु दे बचन उत्ते ही पहरा करने ने। जिदा अजकल लोग कहिंदे ने कि किवें 84 पौड़ियां ते 84 जपजी साहिब करके 84 कट्टी जाएगी। बचन ने 84 कट्टणी है, गुरु दे बचन अटल ने। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਝੋ। ਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ इस कलयुग विच कि जिहड़ा पुरख गुरु ग्रंथ साहिब नूं दिन विच दो वार मत्था ही टेकी जाए, कहिंदे आ ओह वी मनुख मुक्त हो जांदा है। इन्ना सौखा राह बनाया दसवें पातशाह ने। अमृत रहत नामे विच भी लिखिया है, हजूर साहिब भी लिखिया होया है, तिन मैं नेम एक जो कराए। कहिंदे दो समय संगत विच जा के मत्था टेकना है, संगत करनी है, संगत विच बैठना है। ते जे संगत नहीं मिली ता बस गुरु साहिब दे अगे कोल जा के ही बैठना है, मत्था ही टेक के आ जाना। ता गुरु साहिब साढ़े इन्ने वड्डे ने कि इन्ने नाल ही कल्याण हो जांदा है। सो सानू गुरु साहिब ने जो बचन दिते ने ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।